आज हम लोग करेंगे प्रो राइटिंग 8 का डिटेल्ड रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहां पर हम लोग बात करते हैं डिजिटल टूल्स और सर्विसेज के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रो राइटिंग 8 टूल के बारे में। तो प्रो राइटिंग 8 है क्या? ये एक ऑनलाइन टूल है जो कि हेल्प करता है आपको ग्रामर में, स्पेलिंग में और अपने राइटिंग स्टाइल को कैसे इम्प्रूव करें उसमें। जैसे ग्रामरली होता है वैसे ही प्रो राइटिंग 8 भी है। ये फाउंड किया गया था 2011 में क्रिस बैंक्स के थ्रू। अब अगर मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने इसको परचेज किया था 9 सितंबर 2020 को। मेरे पास इसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है और मैं यहाँ पर इसको पिछले 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं यूज़ करते हुए। तो उसके बेसिस पे मैं ये आज का डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। प्राइमरीली जो मैं टूल का यूज़ करता हूँ राइटिंग स्टाइल के लिए वो है प्रो राइटिंग 8। जितने भी मेरे आर्टिकल्स रन होते हैं वो इसी टूल के थ्रू होते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे इसका डिटेल्ड रिव्यू करेंगे, इसकी प्राइसिंग के ऊपर भी आऊँगा और मेरे पास यहाँ पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो अब यहाँ पर प्रो राइटिंग 8 का यूज़ किस लिए किया जाता है? दो मेन चीज़ें हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। पहला है ग्रामर के लिए, दूसरा है अपने राइटिंग स्टाइल को यहाँ पर सुधारने के लिए। एंड क्योंकि यहाँ पर मैं प्रोफेशनल कंटेंट राइटर नहीं हूँ इसीलिए ये वाला टूल मुझे काफ़ी हेल्प करता है। एंड इनफैक्ट मेरे जितने भी कंटेंट राइटर्स हैं उनको भी ये टूल काफ़ी हेल्प करता है। मींस जब मैं उनकी रॉ फाइल देखता हूँ और इसके कन्वर्जन के बाद जब मैं उनकी फाइल देखता हूँ, जब वो सारी रिपोर्ट से रन कर लेते हैं तो एक डिफरेंट ही आर्टिकल वहाँ से निकल के आता है। उसकी जो रीडेबिलिटी रहती है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो पर्सनली यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं एक बेटर राइटिंग स्टाइल बनाने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग लॉगिन करते हैं आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मेरी ही वेबसाइट के हैं, मेरे ही ब्लॉग के हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप लोग नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। एंड जो मेन यहाँ पर खेल होता है वो होता है इस रिपोर्ट्स का। यहाँ पर आपको ये सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलती है, अराउंड 23 रिपोर्ट्स है एट प्रेजेंट। वन बाय वन हम लोग यहाँ पर एक एक करके सबको टच करेंगे जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैं किसका यूज़ करता हूँ वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर है हमारे पास सेटिंग्स, लैंग्वेज क्या रहेगी। यहां पर मैंने जनरल इंग्लिश सिलेक्ट करके रखी है। राइटिंग स्टाइल क्या रहेगा, मैं यूजुअली टेक्निकल या फिर कैजुअल पे जाता हूं। डॉक्यूमेंट टाइप कैसा है, इट इज जनरल टेक्निकल फॉर मी। ये सारे डॉक्यूमेंट टाइप यहां पर अवेलेबल है। एंड जैसे आप लोग यहां पर डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करोगे वैसे जो इसके रिकमेंडेशंस रहेंगे वो भी डिफरेंट होते जाएंगे। देन हम लोग आते हैं यहां पर रिपोर्ट्स पे। पहले तो यहाँ पर आपको रियल टाइम रिपोर्ट देखने को मिलती है। जैसे ही यहाँ पर हम लोग अपना आर्टिकल टाइप करते जाएंगे ये रियल टाइम देखता रहेगा ग्रामर, स्पेलिंग, स्टाइल ये कैसा है, क्या यहाँ पर इंप्रूव करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है, ये उसका स्कोर बताएगा। सेंटेंस लेंथ कितनी है, क्या उसको बढ़ाना है, क्या उसको कम करना है, रीडेबिलिटी ग्रेड, पैसिव वॉइस, कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ है कि नहीं है, वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, ग्लू इंडेक्स, इन सब के ऊपर हम लोग वन बाय वन करके आएंगे। फिर इंप्रूवमेंट्स में यहाँ पर हमें बता देगा कि किस तरीके से यहाँ पर इसको इम्प्रूव करा जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर वन बाय वन हर एक रिपोर्ट में जाके इम्प्रूव करना पसंद करता हूं। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास आती है एक समरी रिपोर्ट। तो ये रही हमारी समरी रिपोर्ट। सबसे पहले आपको ये ग्रामर स्कोर दे देता है, देन स्टाइल स्कोर दे देता है, देन यहां पर हमें स्पेलिंग स्कोर मिल जाता है। तो इन सबको यहां पर इंप्रूव करा जा सकता है। फिर देन नीचे आते हैं तो ये हमें बताता है कि कहां पर इंप्रूव किया जा सकता है। तो अब ये हमें यहां पर बता रहा है कि इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास है ग्रामर चेक। जैसे ही हम लोग यहां पर नीचे आते हैं ये हमें बताता है कि क्या यहां पर यूज किया गया है और उसके बदले क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ में, ये पूरी चीजें यहां पर हमें बता रहा है। और इसके थ्रू हम लोग अपने ग्रामर स्कोर करेक्ट कर सकते हैं ये सारे इम्प्रूवमेंट्स करके। देन नीचे आते हैं हम लोग, हमारे पास यहाँ पे स्टाइल चेक आ जाता है। फिर ये अगेन यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट बता रहा है कि जहाँ पे सिमिलर टू यूज़ किया गया है उसके बदले हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं लाइक, उससे यहाँ पर इसकी जो स्टाइल स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ग्रेटली बहुत जगह पर लिखा हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ यहाँ पर दो जगह पर लिखा हुआ है जिसको यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मेनी में। और इस ऐसे ही यहाँ पर ये बहुत सारे इसने सजेशन दे के रखे हैं। इसी तरीके से पैसिव वॉइस, वीक एडवर्ब्स और सेंटेंस लेंथ चेक। तो जितनी भी यहाँ पे रिपोर्ट्स है उस सब की ये समरी यहाँ पर दे देता है। एंड इट्स अ गुड थिंग अगर आपको अपने राइटर को भेजना है कि उसने क्या क्या गलती करी है तो ये समरी रिपोर्ट निकाल के उनको यहाँ पर सेंड कर दो। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं स्टाइल रिपोर्ट से, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टाइल स्कोर कम था। तो देखते हैं ये हमें क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे 26 ये रिकमेंडेशन दे रहा है हमें यहाँ पर। हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे एंड देन जैसे सिमिलर टू लिखा हुआ है तो हम लोग इसमें यहाँ पे क्लिक करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, VPS is similar to it, VPS is like it, इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे greatly कहीं कहीं पे यूज़ किया गया है तो क्या यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं। इट greatly reduces the risk of getting malware। तो अगर उसकी importance है तो उसको रहने दो, नहीं है तो इसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। देन एनी नंबर ऑफ, ये कहाँ लिखा हुआ है, इन्वाइट एनी नंबर ऑफ फ्रेंड्स,
इनवाइट मेनी, मेक सेंस एनी नंबर ऑफ की जगह हम लोग यहाँ पे मेनी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे सजेशंस हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर अपना जो स्टाइल स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। रीडेबिलिटी एनहांसमेंट्स हैं और यहाँ पर आ जाते हैं पैसिव वर्ब्स मिले हैं, इन सबको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन स्टाइल इम्प्रूवमेंट में यहाँ पर गुड नॉलेज लिखा है, इसके बदले यहाँ पर हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, यू नीड टू हैव गुड नॉलेज। गुड नॉलेज की जगह एक्सपर्ट नॉलेज ज़्यादा बेटर साउंड करेगा। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग उसको एक्सपर्ट नॉलेज में चेंज कर सकते हैं। फिर मेन टॉपिक, मेन टॉपिक में क्या सजेस्ट कर रहा है, वेब होस्टिंग इज़ द मेन टॉपिक, मेजर टॉपिक भी इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स हमें सजेस्ट कर रहा है। देन यहाँ पे हमारे पास ग्रामर है, ग्रामर में भी आपको इशू बता देगा कि क्या क्या यहाँ पर इशू है, किस तरीके से इसको सही किया जा सकता है, कैपिटलाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सर्वर है सर्वर्स है, शेयरिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सर्वर इंक्लूडिंग रैम, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर आपको ग्रामर भी बता देता है, ग्रामर अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन है यहाँ पर हमारे पास थिसोरस, अब ये हमें क्या बताता है, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे वर्ड्स हैं जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो जहाँ पे वेबसाइट यूज़ किया गया है उसको यहाँ पर साइट भी कर सकते हैं, तो उन वर्ड्स के यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स बताता है जिसके अवेलेबल हैं। नाउ अगेन यहाँ पर आपको सारे वर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस फीचर का ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप क्रिएटिव राइटिंग में हो तो फिर ये शायद से आपके लिए कुछ अच्छा टूल रह सकता है। मेरी टेक्निकल राइटिंग है, मुझे SEO बेस्ड आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, तो वेबसाइट हो गया, डोमेन हो गया और सर्वर हो गया, इन सबको मैं चेंज नहीं करता हूँ, जैसे है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टर्म्स यूज़ होते हैं मैं उसी का यहाँ पर यूज़ करता हूँ। ओवर यूज्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ये हमें बताता है कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ओवर यूज़ करी है, जैसे ली एडवर्ब का यहाँ पे मैंने काफ़ी यूज़ किया है, इजीली वर्चुअली क्विकली डायरेक्टली, तो यहाँ पर इन सबको थोड़ा बहुत रिमूव किया जा सकता है। एंड देन यहाँ पे जस्ट देन, इसका भी यहाँ पे काफ़ी यूज़ किया गया है, तो ये हमें सजेस्ट करता है कि आप लोग अगर इसको रिमूव कर दोगे तो यहाँ पर आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है। मैं इसका कभी कभार यूज़ करता हूँ, कभी कभार नहीं करता हूँ। देन है हमारे पास यहाँ पर कॉम्बो, कॉम्बो मीन्स कि कुछ सिलेक्टेड रिपोर्ट्स ही यहाँ पर रन करेगी, समरी पे सारी रिपोर्ट्स रन करती है। कॉम्बो में मान लो मैंने सिर्फ 2-3 रिपोर्ट्स ही यहाँ पे सिलेक्ट करी है, राइटिंग स्टाइल की है, ग्रामर की है, डिक्शन की है, स्टिकी सेंटेंसेज है, कॉम्प्लेक्स वर्ड है, वेग एंड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं, पैराग्राफ लेंथ है, ये सारी रिपोर्ट्स ही यहाँ पर रन करेगी। तो मैंने कॉम्बो रन किया तो उसने मुझे सिर्फ यही रिपोर्ट्स दी है, बाकी इसने यहाँ पर रिपोर्ट्स को इग्नोर कर दिया है। देन यहाँ पर हमारे पास आता है ऑल रिपीट्स, किन वर्ड्स का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हुआ है, फ्रीक्वेंट 7 वर्ड्स फेजेस, 6 वर्ड फेजेस किन का यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो अगर रिक्वायरमेंट है तो इसको यहाँ पे कट डाउन किया जा सकता है, अगर नहीं है तो अगेन यहाँ पर हम लोग इसको लीव कर सकते हैं। देन आता है यहाँ पर एकोज, एकोज मीन्स अगर कोई ऐसा फ्रेज है जो बार बार आपने रिपीट किया है काफ़ी कम टाइम में, तो ये हमें यहाँ पर बता देता है, जैसे टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग है तो यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग यूज़ किया है, एंड देन उसी के नीचे यहाँ पर एक लाइन के नीचे अगेन यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग आ गया है, तो ये सारे क्लोज रिपीट्स आपको बता देता है, तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, अगेन ये क्रिएटिव राइटिंग में ज़्यादा काम में आएगा। देन आता है यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से आपका यह आर्टिकल लिखा गया है, जैसे 71% सेंटेंसेस यहाँ पर एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, कितने यहाँ पर एडवर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, और बेसिकली एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बता देता है, इसका अगेन यहाँ पर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। देन यहाँ पर हमारे पास लेंथ, जो कि आपको बता देता है कि आपका एवरेज सेंटेंस लेंथ क्या है, वर्ड काउंट क्या है, इंडिविजुअल सेंटेंस लेंथ कितनी है, कितने आपके लॉन्ग सेंटेंसेस है, अगर कुछ लॉन्ग है तो क्या उसमें यहाँ पे क्लोज कम कर सकते हैं। देन यहाँ पर ट्रांजिशंस, अगर यहाँ पर हम लोग कम ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो इनका ये कहना है कि इट इज़ हार्ड टू फॉलो, और ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है डिपेंडिंग कि आपने यहाँ पे सेटिंग्स कैसे करी है। टेक्निकल है तो यहाँ पे कुछ अलग परसेंटेज बताएगा, और अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ डॉक्यूमेंट टाइप को और राइटिंग स्टाइल को, तो देन अगेन ये परसेंटेज यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी का मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, ये पहले तो हमें बता देता है कि कितना टाइम इस आर्टिकल को पढ़ने में लगेगा, किस तरह का आर्टिकल है, क्या ये इजी टू रीड है, डिफ़िकल्ट टू रीड है, एंड देन ये हमें बताता है कि क्या यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू रीड है, जैसे यहाँ पे 16 पैराग्राफ्स है जो कि डिफ़िकल्ट टू रीड है, तो यहाँ पर इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर IP एड्रेस है और इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी बिगड़ गई है, आई थिंक IP एड्रेस इज़ अ यूनिक नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, सो इंस्टेड वी टाइप द डोमेन नेम, सो इन सबको यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं इन पैराग्राफ्स को यहाँ तो शॉर्ट में लिख सकता हूँ, या फिर कुछ ट्रांजिशंस वगैरह ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, जैसे ये काफ़ी लंबा पैराग्राफ है तो ये बोरिंग भी लग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, हाईलाइट कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ कहीं कहीं पर, तो ये वेरी डिफ़िकल्ट तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि ज़ीरो रहे, और जो स्लाइटली डिफ़िकल्ट है वो 4-5 भी रहे तो चलेगा, जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। देन है यहाँ पर हमारे पास स्टिकी, स्टिकी मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जिससे जो पढ़ रहा है उसको यहाँ पर वो स्लो हो जाए,
कुछ फिलर वर्ड्स होते हैं जहाँ पे यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, बोलते टाइम पे काफ़ी फिलर वर्ड्स का यूज़ होता है, लेकिन जब आप लोग आर्टिकल लिख रहे हो तो फिर जितने कम से कम फिलर वर्ड्स का यूज़ किया जाए उतना अच्छा है। तो ये जितने स्टिकी सेंटेंसेस रहते हैं, ग्लू वर्ड्स रहते हैं, उन सब का यहाँ पर हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जैसे ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ग्लू वर्ड्स का यूज़ किया गया है, इन दिस आई एम गोइंग टू टेल अबाउट ऑल, तो यहाँ पर ये इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हटाया जा सकता है। तो जितने भी यहाँ पर ये स्टिकी सेंटेंसेस है इसको रिमूव किया जा सकता है। देन इसके बाद क्लीशेज है, अगर यहाँ पर कुछ क्लीशेज का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमें यहाँ पे बता देगा। डिक्शन है, अगर यहाँ पर कुछ वेग और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। देन यहाँ पे प्रोनाउंस के बारे में बता देता है, कितना परसेंटेज है, कितना आपका टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे इलिट्रेशन रिपोर्ट हो गई, डायलॉग, पेसिंग, सेंसरी। ये सारी रिपोर्ट्स तब काम में आती है जब आप लोग कुछ फिक्शन राइटिंग लिख रहे हो, या फिर स्टोरी राइटिंग कर रहे हो, या फिर कोई एक न्यूज़लेटर लिख रहे हो जिसमें आपको कुछ पर्सनल कनेक्शन बनाना है, तो फिर आपको ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे काम में आएगी। मैं इनका यूज़ यहाँ पर ज़्यादा नहीं करता हूँ। अगर आपको इस टूल के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप लोग मेरा डिटेल्ड आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं, वो आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गूगल डॉक्स की। गूगल डॉक्स पे आपको इसका इंटीग्रेशन मिल जाता है, एड ऑन्स पे मैंने यहाँ पर इसको ऐड करके रखा है, प्रो राइटिंग एड। एंड यहाँ पर समरी रिपोर्ट भी आप लोग देख सकते हैं, इंप्रूव डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरा डेटा लेकर के एक यहाँ पे नई विंडो यहाँ पे खोल देगा। और मुझे जैसे ही आपको यहाँ पे वेब वर्जन दिखता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको इन्हीं का यहाँ पर दिखेगा एक पॉपअप के अंदर। और यहाँ पे जो भी इम्प्रूवमेंट्स है वो यहाँ पर मैं करके इसको वापस से सेव कर सकता हूँ, अप्लाई चेंजेस एंड क्लोज। तो इन दिस आर्टिकल में से मैंने आर्टिकल हटा दिया है तो ये मेरा गया। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होती है अगर हम लोग एड ऑन्स का यूज़ करते हैं तो, नहीं तो अगर आप लोग डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे तो कभी कभार यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस के साथ भी इसका इंटीग्रेशन दिख जाता है, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये इंटीग्रेट हो जाता है। ऊपर यहाँ पर आपको सारी रिपोर्ट्स दिख जाती है, राइट हैंड साइड पे आपको एक समरी मिल जाती है। तो गूगल डॉक्स से कंपैरिजन में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर ज़्यादा अच्छा इंटीग्रेशन हमें मिलता है। देन यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप ऐप भी है, डेस्कटॉप ऐप में आप लोग एमएस वर्ड की फाइल्स वगैरह ओपन कर सकते हो, और अगर आप लोग कुछ ई बुक्स वगैरह लिख रहे हो तो यहाँ पर इसको भी ओपन किया जा सकता है। तो ये रहा मेरा डेस्कटॉप ऐप, मैं यहाँ पर फाइल पे जा सकता हूँ, न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, और किस तरह का मेरा डॉक्यूमेंट रहेगा, HTML मार्कडाउन टेक्स्ट, टेक्स्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, तो क्रिएट कर सकता हूँ या फिर मैं ओपन भी कर सकता हूँ डायरेक्टली। एमएस ऑफिस की फाइल भी मैं इसी ऐप में ओपन कर सकता हूँ। एक्सटेंशंस की बात करूँ तो ये आपको क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर देखने को मिल जाता है। इसका एक्सटेंशन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता है, ग्रामरली का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं सिर्फ क्रोम एक्सटेंशन की बात करूँ तो। यहाँ पर आपको सिनोनियम्स भी देखने को मिल जाते हैं, अगर मैं किसी भी वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे वो सिनोनियम्स यहाँ पर बता देता है। वेब ऐप यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइमरीली जो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ वो है इनका वेब ऐप, और क्रोम एक्सटेंशंस तो इंस्टॉल्ड इस पे रहते ही हैं। अब अगर यहाँ पर मैं फ्री वर्सेस प्रीमियम के बारे में बात करूँ तो प्रो राइटिंग 8 का फ्री वर्जन भी है, इनका प्रीमियम वर्जन भी है, और फ्री वर्जन ग्रामरली से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर है, ज़्यादा चीज़ें वो प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर आपको 500 वर्ड्स की लिमिट मिलती है, मतलब एक बार आप लोग यहाँ पर 500 वर्ड्स को देख सकते हो, सिर्फ वेब ऐप ही यूज़ कर सकते हो, और कोई भी यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन नहीं देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स में सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं रहती है, फ्री में कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स ही है। रियल टाइम ग्रामर और स्टाइल चेकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो फ्री वर्जन का यूज़ यहाँ पर आप लोग ईमेल्स वगैरह के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखते हो, ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो, तो फिर यहाँ पर आपको प्रीमियम वर्जन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रो राइटिंग एड यूज़ किसको करना चाहिए। अगर आप लोग एक कंटेंट क्रिएटर हो, कंटेंट राइटर हो, ब्लॉगर हो, ई बुक्स वगैरह लिखते हो, एडिटर हो, या फिर सिर्फ प्रूफ रीड ही करते हो तो भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट फाइवर से आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चाहते हैं कि ह्यूमन एडिटर कोई उनका आर्टिकल यहाँ पे प्रूफ रीड करे, तो फिर आप लोग इसको यहाँ पे प्रो राइटिंग एड से पहले रन कर सकते हो, देन खुद उसको प्रूफ रीड कर सकते हो, तो इस तरीके से आपका भी टाइम बच जाएगा, और अगर आप लोग एक स्टोरी टेलर हो तो भी यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर इसको यूज़ कैसे करना है, प्रो राइटिंग एड की जो अच्छी बात है और जो ख़राब बात है वो यही है कि इसमें बहुत सारे टूल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है ये यहाँ पर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मेनली यहाँ पर जो भी पूरा खेल होता है वो होता है इनके रिपोर्टिंग सेक्शन के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मैक्सिमम रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, डिपेंडिंग कि आप लोग किस तरह का यहाँ पर कॉन्टेंट लिख रहे हो, सिर्फ आपको 4-5 रिपोर्ट्स की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रहेगी इन मोस्ट केसेज। मैं जो यहाँ पर रिपोर्ट्स का यूज़ करता हूँ वो है स्टाइल रिपोर्ट, ग्रामर रिपोर्ट, और यहाँ पर है रीडेबिलिटी और स्टिकी।
ये चार रिपोर्ट्स का मैं मेनली यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको खुद ही वर्कआउट करना पड़ेगा कि आपकी राइटिंग के हिसाब से क्या बेस्ट वर्कआउट कर रहा है। फिर यहाँ पर प्लेगरिज्म चेक्स भी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, और यहाँ पर सिर्फ 60 प्लेगरिज्म चेक्स ही है, और जो यहाँ पर प्लेगरिज्म चेक्स भी है वो भी मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए हैं। अब इससे पहले मैं यहाँ पर प्राइसिंग की बात करूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मुझे प्रो राइटिंग एड ने यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक बेटर डिस्काउंट ही मिलेगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके। थैंक यू। अब अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे go.kripeshadwani.com/prowritingaid, अगर इस लिंक से जाकर के आप लोग परचेस करोगे तो यहाँ पर मेरा डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा और आपको यहाँ पर 20% तक का ऑफ देखने को मिल जाएगा। जो इसका बेस्ट प्लान है एट प्रेजेंट वो है इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको यहाँ पर $63 का मिलेगा। इसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन की प्राइस थोड़ी अभी बढ़ गई है, तो यहाँ पर ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़्यादा यहाँ पर बेटर वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पर आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा जब आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से यहाँ पे जाके परचेस करोगे। तो देन यहाँ पर आपको परचेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड या फिर पेपाल का ऑप्शन मिल जाएगा। इंटरनेशनल क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पर आपको 14 डे की मनी बैक गारंटी भी मिल जाती है। अब इससे पहले यहाँ पर मैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊं, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। अब अगर मैं इसके प्रोज के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रिपोर्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टाइल करेक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इंटीग्रेशन काफ़ी सारे मिल जाते हैं। पेड वर्जन में कोई वर्ड लिमिट नहीं है, अफोर्डेबल प्राइसिंग पे आपको ये मिल जाता है। इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मोबाइल ऐप का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा पुराना लगता है, थोड़ा यहाँ पर लर्निंग कर्व रहेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसकी रिपोर्ट्स को समझने के लिए। कभी कभार यहाँ पर फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब मैं वर्ड से कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड देन वापस से इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो कभी कभार यहाँ पर फॉर्मेटिंग उसकी चेंज हो जाती है। टेबल्स वगैरह तो होते ही नहीं है यहाँ पर, तो बेटर ये रहता है कि पहले उसको प्रो राइटिंग 8 से रन करो एंड देन लास्ट में उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करो। और शॉर्ट कॉन्टेंट के लिए मुझे ये इतना पसंद नहीं आया है। तो अब मैंने इसको पर्सनली क्यों खरीदा, पहले तो जब मैंने इसको परचेस किया था तब मुझे इसकी लाइफ टाइम डील एक अच्छे प्राइस के ऊपर मिल रही थी, तो लाइफ टाइम डील मुझे काफ़ी पसंद है तो इसको इसीलिए मैंने परचेस किया था। एंड कंपेयर कर रहा था जब मैं इसको ग्रामरली से, तो ग्रामरली मुझे यहाँ पर एक्सपेंसिव लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रामरली नहीं लिया था। और मुझे सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं बल्कि एक स्टाइल करेक्शन के लिए भी टूल चाहिए था, जो कि मेरी यहाँ पर राइटिंग को ज़्यादा अच्छी तरीके से सुधार सके, जो रीडेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सके, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल राइटिंग के ज़्यादा आर्टिकल्स रहते हैं मेरे ब्लॉग के ऊपर, तो जो उसके ईज़ ऑफ रीड है वो अच्छी होनी चाहिए, पैराग्राफ्स अच्छे से समझ में आने चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब टेक्निकल कंटेंट भी यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि एक ही बार पढ़ के वो यूज़र को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पैराग्राफ को यहाँ पर 3-4 बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो वो यहाँ पर मेरा मेन फोकस था कि ग्रामर के साथ साथ यहाँ पर मेरी राइटिंग स्टाइल भी इम्प्रूव हो जाए। एंड पर्सनली मेरी यहाँ पर राइटिंग स्टाइल कुछ खास अच्छी नहीं है, मैं टेक्निकल रिसर्च में अच्छा हूँ, टेक्निकल कंटेंट में अच्छा हूँ, वीडियोस में भी धीरे धीरे यहाँ पर अच्छा हो रहा हूँ, लेकिन जो मेरी राइटिंग स्टाइल है वो कुछ यहाँ पर खास अच्छी नहीं है। और ये वाला टूल मुझे हेल्प करता है, इनफैक्ट जो कंटेंट राइटर्स है जो मेरे साथ काम करते हैं उनको भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो अब यहाँ पर हमें प्रो राइटिंग एड को कब लेना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो जो कि एटलीस्ट 700 वर्ड्स का है या फिर 1000 वर्ड्स का है या फिर 5000 वर्ड्स का है, तब जो इसकी रिपोर्ट्स है वो एक्चुअल में जो आपका कंटेंट है उसको सुधार सकती है, जो आपकी राइटिंग स्टाइल है उसको इम्प्रूव कर सकती है, क्लैरिटी आ जाएगी, ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी और ज़्यादा इजी टू रीड भी वो कंटेंट बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ ग्रामर के लिए चाहिए या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए चाहिए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्रामरली तब ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। मैंने ग्रामरली को ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसका रिव्यू करूँ तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। मैं यहाँ पर पर्सनली प्रो राइटिंग एड का ही मेनली यूज़ कर रहा हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप कर सकते हैं, डिस्काउंटेड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।